सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर ड्रैगन बॉल लेजेंड्स वीडियो। एंड आज की वीडियो में हम इस गोकू को यूज करने वाले मोनो येल्लो टीम के अंदर, बिकॉज कोई भी येल्लो करेक्टर जब आता है एक बार उसको मोनो येल्लो में जरूर यूज करना चाहिए, बिकॉज उसके बाद हमें पता चलता है कि कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है करेक्टर। आई थिंक गोकू इसमें बहुत सही परफॉर्म करेगा। तो हमारे पास ये वाला गोकू भी है जो की एक सपोर्टर करेक्टर है फॉर मूवी प्लस येल्लो करेक्टर। ये सन फैमिली एंड मूवी को बफ देता है, तो मेरे हिसाब से ये गोकू के लिए बहुत अच्छा सपोर्ट होगा जब ये डेड हो जाता है, ठीक है। सो ये डेड होने के बाद ज्यादा बफ देता है। इसका मतलब ये नहीं मैं इसको जान पूछ के डेड करवाऊंगा। तो या मेरी टीम के अंदर कोई रिवाइवल या एंड कुछ भी नहीं है एंड्योरेंस, तो मैं जब चाहूं इसको डेड करवा सकता हूं। अगर हमको पीवीपी में G4 मिला तो वो उसका लास्ट मैच होगा। सो लेट्स सी ये टीम कैसे परफॉर्म करेगी। एंड अगर चैनल पे न्यू हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्रेस द बेल आइकन एंड लेट्स गो विद सम पीवीपी। ओके सो फर्स्ट अपोनेंट हमें मिला है वो भी मास्टर रोशी वाला। ओके यह बंदा अनोइंग होगा। ओके मैंने एक चीज चेक नहीं करी, वेट सुपर वेजिटा। ओके सो यह सीएन को बफ देता है। ओके इट्स फाइन, मेरे को याद नहीं था, ठीक है। ओके सो लेट्स सी ये बंदा क्या कर सकता है इसके। ओके शुरुआत में ही ए हुई ग्रीन कार्ड, नो। ओके नाइस, सो मैं ट्राई करूँगा कि मैं अपने गुजीडा को जल्दी से निकाल पाऊँ, बिकॉज अगर कोई रेड यूनिट आता है तो मुझे जानते हो कितनी दिक्कत होगी मेरे को। सो अगर गुजीडा होगा तो इतनी दिक्कत नहीं होगी मेरे को जहाँ तक पता है मेरे को। ओके नाइस, ओके मेरा गेज ऑलमोस्ट भर गया। वाओ आई मीन इतनी जल्दी गेज भरना बहुत ईजी लग रहा है मेरे को तो। ओके लेट्स गो विद स्पेशल मूव, और कुछ है भी नहीं मेरे पास अभी, एंड मेरा गेज भर गया। कितने सेकंड में हमने गेज भरा है? ओनली 4 या 5 सेकंड के अंदर, ब्रो दैट्स बहुत फास्ट है। ओके सो अब गुजीटा आ गया, सो तुम समझ सकते हो ये बंदे को दिक्कत होगी। ओके ये बंदा पागल है, आई थिंक ये बंदा पागल है। इस बंदे ने गोकू क्यों निकाला यहाँ पर? तुम जानते हो उस गोकू को डैमेज ज्यादा जाएगा येल्लो से, एंड इस बंदे ने आई डोंट नो। ओके तो इसका मास्टर रोशी यहाँ पे ख़त्म। थैंक यू, मुझे लगा बंदा साइड स्टेप ले सकता था बट लिया नहीं। ओके तो मैं गोजीटा से ज़्यादा खेल रहा हूँ, बिकॉज यार जितनी ओपनिंग मिलेगी मेरे को मैं उतना मारता हूँ बंदों को, ठीक है। सो यार इस कुकू का मैं कम इस्तेमाल किया बट स्टिल अब इसकी बारी है। ओके सो इसकी HP भी फुल, ये बंदा अपना गोकू चेंज करेगा सबसे पहले तो मुझे पता है। ओके सबसे पहला काम उसने वही किया। ओके सो बच के रहना पड़ेगा, AOE ग्रीन कार्ड हो सकता है इसके पास। थैंक यू, सो इसकी गेम वैसे ख़त्म होती हुई दिख रही है मेरे को। लेट्स गो असोल चेन ब्रो, गोचीटा तो कौन फालतू बोल सकता है। ओके सो एंड अब डैमेज जाएगा या अब हमको एलिमेंट डेलिफिकेशन मिला था यहाँ पे, एंड इसका रेड ख़त्म, वेरी गुड। सो इसकी गेम वैसे बची नहीं है। ओके इसकी गेम यहाँ ख़त्म, सो मैं यहाँ पे फिनिश करूँगा अपने गोकू से, बिकॉज या ये बंदा मेन है इस वीडियो का। ओके सो इसकी टीम में गार्लिक जूनियर है, तुम समझ सकते हो ये बंदा कितना ज़्यादा पेन होने वाला है, बिकॉज या मैं जानता हूँ यार गार्लिक जूनियर जो यूज़ करते हैं उनको पता है सामने वाला गार्लिक जूनियर भी सेम वही करेगा जो हमारा करता है, ठीक है। तो ओके सो इसके गार्लिक जूनियर को ना गोकू से मारना पड़ेगा, बिकॉज फिर वो हीलिंग जल्दी नहीं कर पाएगा। ओके सो अभी नहीं, ऐसा कोम्बो ख़त्म ही नहीं हो रहा, इसका कोम्बो ख़त्म ही नहीं हो रहा भाई। ओके रो ये बंदा कोम्बो ख़त्म क्यों नहीं कर रहा अपना। ओके आई डोंट नो ये बंदा क्या चाहता है मुझसे। मैं समझ गया बंदा क्या कर रहा है, ये नो ये मेरे गोकू एंड वेजिटा को पकड़ना चाहता है। मैं समझ रहा हूँ बंदा क्या करना चाहता है, वो मैं होने नहीं दूंगा, डोंट वरी। ओके देखो इस बंदे ने क्या किया, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर लिया, उसको पता है मैं यहाँ पे साइड स्टेप लूँगा बट स्टिल मैं जानता हूँ क्या करना है मुझे पता था। सो मेरा गेज भरने वाला है, सबसे पहले मैं अपना गेज भरूँ। ओके लेट्स फिन दिस, या बैड था, बैड बहुत ही ज़्यादा था।
ओके वैसे भी इसके बाद कवर नेल नहीं था जहाँ तक तुमने देखा भी, बिकॉज मेरी एचपी हाफ से भी ज़्यादा थी। इट्स फाइन, मेरा गेज भर जाए एक बार, ये बंदा रुक जाएगा। एंड बूम स्टॉप। ओके बंदे ने अपना अल्टीमेट गॉन निकाल लिया। वेट ओके मेरा गेज आ चुका है, मेरा गेज फुल हो चुका है ब्रो। सो एक और ग्रीन कार्ड यहीं से दिख गया मेरे को। सो पहले हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, सबसे पहला काम ट्रांसफॉर्म होगा हमारा। एंड अगर ये बंदा रश करता भी है तो मैं गोकू को सैक्रिफाइस कर सकता हूँ, आई मीन सपोर्ट वाला। ओके ये चीज़ मेरे को समझ नहीं आई इसने क्यों की, बट ये बंदा पक्का गोकू का सहारा लेगा, ये ऑब्वियस सी बात थी। ये ज़्यादा डैमेज नहीं लेने देगा गार्लिक जूनियर को। एंड ब्रो गोजीटा लुक एट दिस डैमेज यार, बहुत गलत डैमेज दे रहे हैं हम इस समय। ये बंदा फंसा, वेरी गुड। सो लेट्स गो विद दिस। ओके इस बंदे ने चेंज किया। ओके इट्स फाइन। सो एज यू कैन सी हम वैसे इसको डैमेज ज़्यादा नहीं दे पाएंगे गार्लिक जूनियर को, सो उसके लिए हमारा गोजीटा क्यों है यहाँ पे। अबे यार शिट, इसको पता था, इसको पता था। इट्स फाइन, उस बंदे ने कवर चेंज कर लिया था। माय गॉड, इसकी आज का दिन ख़राब है इस बंदे का, आज का इस बंदे का दिन ख़राब है, मेरे हाथों लग गया बंदा। ओके सो इसका गोकू खत्म यहाँ पे। डू समथिंग। ओके ये बंदा एक ही चीज़ बार बार कर भी रहा है, थैंक यू। सो इसकी अब हम एचपी बनने नहीं देंगे जल्दी। एंड देखो इसकी हीलिंग बहुत कम हो रही है, तुम देख सकते हो यहाँ पे। सो ये गोकू एक तरह से गार्लिक जूनियर का भी काउंटर है अगर तुम इसको ढंग से खेलोगे गोकू से। सो या इस समय मेरे को ब्लास्ट कम मिल रहा है, चक्कर ये हो रहा है। सो लेट्स सी। ओके सो इस समय अपने वैनिश भर सकता हूँ आई थिंक, मेरा क्योंकि गेज भरा हुआ था। एंड नॉट बैड डैमेज। ओके लेट्स सी। ओके ओके हो रहा है। ये थोड़ा बैड हुआ, बट लुक एट दिस, यहाँ पे अल्टीमेट गोहान अभी थोड़ा सा बफ में चल रहा है, मतलब वो हमें हमारी टीम को डैमेज दे सकता है बहुत अच्छा, तो मुझे बच के रहना पड़ेगा। ओके ये था ड्रॉप। ओ नो नो नो, मैंने पकड़ लिया। वेरी गुड। सो लेट्स गो विद दिस। वेट ओके ओके वेट। एंड इसका यहाँ पे गार्लिक जूनियर आई थिंक मैं ख़त्म कर सकता हूँ। एंड दिस लेट्स सी हम इसको फिनिश कर पाएंगे, बिकॉज की भाई इसको देखने में लगता है कम एचपी है, बट वो बंदा टैंक कर जाता है कभी कभार। ओके सो इसका गार्लिक जूनियर ख़त्म, अभी भी गेम ख़त्म नहीं हुई है, बंदा पेन तो मेरे लिए बनेगा। नो इसलिए मैंने यहाँ पे गोकू भेजा है। नो। ओके मैं इसको डेड करवाऊँगा गोकू को इस समय, बिकॉज ऑब्वियसली बात है बंदे पर रश होगा पक्का। सो नो मैं चेंज नहीं करने वाला, अबे भाई रश कर ले। ओके स्पेशल मूव, मैं स्टिल कोई भी कुछ भी नहीं करने वाला, बिकॉज बंदे का रश है मेरे को पता है। ये बंदा रश करेगा ऑब्वियस बात है, क्या करना चाहता भाई। ओके मेरा वैनिश नहीं रहा, मेरे इसके अल्टीमेट से वैसे कुछ नहीं होगा मेरे को यहाँ पे, बट बात ये करेगा रश, ऑब्वियस बात थी यार ये तो। ओके तो स्टिल इसके बाद वैनिश नहीं है इसमें, ठीक है इसके पास वैनिश नहीं है जहाँ तक मुझे याद है तो। ओके स्टिल हमारा गोकू यहाँ डेड हो गया। लेट्स गो विद दिस। एंड भाई बहुत ज़रूरी है, ओह माय गॉड, मुझे लगा मेरा बहुत ख़राब हुआ था। वाओ वो डैमेज, ओ माय गॉड भाई साहब। अनदर गोकू एंड पिकलो, वाओ ये बंदे मेरे पीछे पड़ गए, बट बात ये है कि यहाँ पे G4 क्यों नहीं आ रहा PvP में, मैंने इतने सारे मैचेस खेल ली G4 में को दिख ही नहीं रहा। एंड ये भी नहीं कि मैं जान पूछ के वो मैचेस नहीं दिखा रहा तुमको, ठीक नो बंदे G4 कम इस्तेमाल कर तो रहे हैं, मेरे को लगा था अभी इतनी जल्दी G4 को काउंटर नहीं कर पाएंगे लोग, बट आई थिंक एक LF काफ़ी था उसके लिए। ओके ओके वेट
नो, इतनी जल्दी गोकू डेड नहीं कर पाएंगे इस वाले को। वो हमारा सैक्रिफाइस है बट इतनी जल्दी नहीं। ये बैड हुआ थोड़ा। ओके इट्स फाइन बट मेरा गेज भर जाएगा इससे जल्दी जल्दी। नो यार, थोड़ा मिस्टेक्स हो रही है। ओके आई डोंट नो ये बंदे गोकू को क्यों निकालते हैं, पिकलो से गोकू पे क्यों लाते हैं। ओके एओई ग्रीन कार्ड, इट्स फाइन। ओके रुक जा। ओके मेरा गेज भर गया था क्योंकि माय गॉड, मुझे लगा टैकल है। ओके सो या ये बंदा थोड़ा एडवांटेज उठा रहा है मेरी चीज़ों का। ओके मैं फंस जाऊंगा भाई। गोहान नो, डेड नहीं करवाना अभी। ओके तो या मैंने इस बंदे को देख लिया एंड मेरे को पता है क्या करना है। मेरे को इस समय मेरे को गोजीटा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बिकॉज एक गोहान जो है ना ये रुकेगा नहीं। ओके नो यार डेड हो जाएगा। इट्स फाइन, हमने जल्दी डेड करवा दिया गोकू को बट हमें अब बफ्स मिल चुके हैं। बंदा ये टैप बहुत कर रहा है यार। ओके स्टॉप प्लीज स्टॉप। स्टॉप नहीं हुआ। ओके ओके फाइनली मैंने इस बंदे को पकड़ लिया यहाँ पे एंड इस बंदे चेंज भी कैसे किया है। ओके बट स्टिल मेरे को अपना बस गेज बनना है यहाँ पे, फिर मैं इसको देखता हूँ ये बंदा क्या कर सकता है। उस समय इस बंदे ने कुछ नहीं किया तो मैं बता सकता हूँ। ठीक है ओके सो हमारा यहाँ पे गोजीटा आ चुका है एंड अब मैं इसको बहुत गंदा मारने वाला हूँ। नो कोई फ़ायदा नहीं है। ओके ये बंदा फंस चुका है। तो इसने ये जानता है यहाँ पे क्या होने वाला है इसके साथ, इसलिए इसने चेंज नहीं किया। ओके ये थोड़ा बैड हुआ बट बात याद ये बंदा रश करेगा या फिर अल्टीमेट। आई थिंक ये बंदे का रश तो बिल्कुल भी नहीं होगा। गॉड ओके वेट लेट्स सी। ओके हमारा गोजीटा बच गया यहाँ पे। वेरी गुड सो मैंने देख लिया, लेट्स गो विद दिस। ओके सो राइट नाउ मेरे पास दो अल्टीमेट है। वेरी गुड सो इसने अपने गोहान को भेजा यहाँ पे। सो या इससे डेड तो बिल्कुल भी नहीं होगा, बफ्स हट चुके हैं हमारे यहाँ पे। ओके इट्स फाइन, इसकी एचपी नहीं भरनी थी यार। हेल नो यार। ओके ये बंदा आई डोंट नो, मुझे लगा काउंटर के लिए खड़ा था बट किसी चीज़ के लिए खड़ा था यार। मैंने आई थिंक अल्टीमेट गलत ही कर दिया, उस बंदे ने निकाला था अपना गोकू, डेड होगा। ओके डेड, आई मीन सीरियसली मुझे लगा नहीं था डेड कर पाएंगे उसको। ओके वेरी गुड सो इसका गोहान तो इजीली डेड है। ओके सो या जमासू थोड़ा दिक्कत बन सकता है मेरी टीम के लिए। भाई उसके घूसे बहुत ज़्यादा गलत हैं, उसके घूसे भाई। ओके मैं क्या कह रहा था। लुक एट दिस, मेरी टीम यहाँ पे कुक ना हो जाए गलती से भी। नो इसको को डेड नहीं करवाना भी। अभी मैच शुरू हुआ है एंड अभी से ही सैक्रिफाइस, आई डोंट थिंक। ओके इस बंदे ने गॉड को भी लिया यार, मेरे को तुम्हें पता है गॉड को भाई, तुम्हें लगता है बंदा किसी काम का नहीं है, अभी तुम्हें दिखेगा यहाँ पे धीरे धीरे। ओके इट्स फाइन, मेरा गेज भर जा रहा है। ओके सो ये बंदा रुकेगा नहीं इतनी जल्दी, ये बंदा इतनी जल्दी नहीं रुकेगा। ओके भाई साहब रुक जा, क्या खा के आया है।
अरे यार ये बार बार वहाँ जमासू ऐसे निकालेगा ना तो मेरे को दिक्कत होगी। ओके इस बंदे को टैप भी आते हैं, थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। सो इसके बाद ग्रीन कार्ड तो नहीं है यहाँ पे, कुड बी स्पेशल मूव आई थिंक। ब्लास्ट, नो यार चक्कर क्या है, इसकी पूरी टीम एओई ग्रीन कार्ड करती है, मतलब हद है, कोई भी कुछ भी कभी भी ग्रीन कार्ड करेंगे मैं फंस जाऊंगा, तुम्हें बच के रहना पड़ेगा इससे। ओके सो बात ये आती है यार, अभी मैंने कॉम्बो शुरू किया था अपना एंड बंदे ने सारे कार्ड खराब। ओके ओ बच गया भाई, बच गया मैं, वेट करते थोड़ा। वेरी सो बात ये आती है, सबसे पहले हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा भाई। भाई यहाँ पर गोजीटा जो है ना हमारा मेन मान के चलो तुम, ठीक है, बिकॉज गोजीटा जो है डैमेज देगा यहाँ पे, बड़ा बड़ा गंदा वाला मतलब। ओके सो राइट नाउ हमारा गोजीटा आ चुका है एंड क्या पता है बंदा चेंज कर ले। ओके ना चेंज नहीं किया। ओके नॉट बैड नॉट बैड, स्टार्टिंग के लिए नॉट बैड। चेंज प्लीज। ओके ने चेंज किया, वाओ। ओके इट्स वाइन नॉट बैड। सर गोजीटा का स्पेशल मूव लगने के बाद थोड़ी गेम हैंग सी हो जाती है मेरी तो। ओके ओके मैंने तब भी पकड़ लिया इसको फिर से एंड निकाला अपना गॉड को, वाओ। सो लेट्स गो विद द गोकू बिकॉज अभी कॉम्बो हमें रखना पड़ेगा एंड ओके ओके लेट्स सी बंदा डेड करवा रहा है। सो यार इसका गॉड को इससे डेड तो नहीं होगा बट स्टिल इसका एंड्योरेंस ख़त्म तो एक दिख। अबे यार क्या चाहते हो भाई, तुम जीतवाना चाहते हो तो ऐसे ही बता दो यार, हद है। नो ओके 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 सो इस गोकू को मैं ओके इसके पास भी रशा चक्कर ये है, इट्स फाइन हमारी एचपी भी आगे जितनी मतलब हुई थी वो खर्च। एक और स्पेशल मूव, ओके मैंने पकड़ लिया, वेरी गुड। सो लेट्स सी आई थिंक ये अपना इसको सेक्रीफाइस, ओके सेक्रीफाइस करा था इसको। ओके ग्रीन कार्ड ना हो, हद है भाई ग्रीन कार्ड का डर बंद करो यार, ये भी ग्रीन कार्ड दिमाग। एक और स्पेशल मूव, वाओ ये बंदा मेरे हाथों से पिटने वाला है और कुछ नहीं है। एक और ग्रीन कार्ड, ओह माय गॉड ये टीम कितनी अनोइंग है सामने वाले की, हद है भाई। ओके ओके चेंज, ओके चेंज करा इन्हें बिकॉज गॉड को वो बस डेड होने वाला है। सो इसका जमासू, ओके ये बंदा सोच रहा है मेरा हाथ बच जाएगा, आई डोंट थिंक ये बंदा डेड है मेरे हाथों आज एंड ये बंदा ईजिली डेड है, तुम जानते हो हमारा गोकू भी सेक्रीफाइस हुआ है तो बहुत बफ मिलता है भाई हमारी टीम को। ओके ओके टैकल, ओके टैकल ही किया। That's it guys and I hope you all enjoy this video and yeah ये team बहुत solid थी मेरे हिसाब से but still अभी भी इसमें थोड़े से काम रह रहे हैं। तो इस गोकू के लिए एक न्यू जैन का बफ आ रहा है तो हमको देखने को मिलेगा इस गोकू का ट्रू पावर एंड क्या पता कोई न्यू इक्विपमेंट भी आ जाए तो उस समय पता चलेगा कि गोकू कैसा है ये वाला। सो आज के लिए इतना ही, आई होप यू ऑल एंजॉय एंड इफ यू एंजॉय दिस वीडियो गाइस सो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो आज के लिए बाय बाय गाइस।